टोटल बीमार है सब तो वड्डा मेन मसला गाली अच्छा बुखार बुखार तो नहीं रहा आंसर किन्ने दिन आया चार पांच दिन गा बुखार दस कर रहे हैं बुखार कल बुखार मोटर बंद कर टमर चलाना भाई मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज शादीपुरा रियाज वेटरनरी क्लिनिक। हाँ ये गए तकरीबन 15 दिन से, इसको इंफेक्शन ऑफ द रूमन यानी कि बन लगा हुआ था। ये काफ़ी तरीके के साथ इसने भाइयों ने इलाज किया, बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन भी दी, लिक्विड पैराफिन भी इन्होंने पहले यानी कि हमारे इलाज इससे पहले दे चुके थे, और इसके बाद इन्होंने काफ़ी हद तक यानी कि अचार अंगूरी सिरका मीठा सोडा वगैरह भी ले करिए ठीक नहीं हो पा रही। तो हमें पता चला, तो हम भी इधर आकर देखा तो इसको ना इतना ज़्यादा इन्फेक्शन और ट्यूमर का सख्त मसला बना हुआ था। तो हमने फौरन इसको स्टामक ट्यूब के साथ इसका डाइजेस्टा बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसकी गाय की जो फ्लैंक है बाई फ्लैंक बिल्कुल साथ लग गई, और साथ ही हमने डेक्सटोज NS और रिंगर का यानी कि इसको एनर्जी लेवल पूरा करने के लिए इसको 3 ड्रिप्स दी, 3 लीटर हमने डेक्सटोज दिया, हमने फ्लूड दिया, और इसमें हमने मल्टीमाइनो सोवामिन कैल्शियम और साथ फास्फोन हीरोटोन ये अपने इंजेक्शन हमने डाले इसको, और साथ हमने इसको खाने के लिए ईस्ट दी 50 ग्राम और एलविजन 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम और अजवाइन देसी 50 ग्राम, आधा किलो गुड़ में मिलाकर इसको ये भी खिला दिया ताकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए, और उसमें बेटे में जो अपना माइक्रोफ्लोरा की कमी है वो भी पूरी हो जाए। माइक्रोफ्लोरा की कमी को पूरी करने पूरा करने के लिए हमने साथ हेपागन का इंजेक्शन TML दिया, इसकी ईस्ट के साथ ही हमने अजवाइन देसी अनारदाना पुदीना वगैरह और गुड़ वगैरह भी साथ दिए, यानी कि वक्त वक्त के साथ हमने ये स्टामक को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें दी। असल में इसको होबा ये था, इसको 106 फारेनहाइट टेम्परेचर था आज से 15 दिन पहले, तो इतना बुखार होने के बाद इसका स्टामक जो जुगाली वगैरह ना करने की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा स्टामक प्रॉब्लम का मसला बन गया, इसको पेट में दर्द का भी मसला रहा कि आप टांगे नीचे मार रही थी जमीन पे, कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी, इसको काफ़ी पेन की वजह से इसकी आंखें के अंदर जो घूम चुकी थी, इसका चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका था। जब हमने इसका नदी लेवल बराबर किया और हमने इसको फ्लूड दिया 3 लीटर फ्लूड देने के बाद के गए चारा भी खाने लग गई और जुगाली भी करने लग गई, अब ये गाय ठीक है। अलहमदिल्ला हमारा तरीकाकार ऐसा तरीकाकार है जिससे जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है, जानवर ठीक हो जाते हैं। हमारा ये मशवरा है, जो भी दोस्त हमारे फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, अगर जानवर ना कोई अच्छे तरीके से बच रहा हो तो इसको इसी तरीके से